हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम दिल्ली पुलिस। आज हम बात करते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में दिल्ली पुलिस की आंसर की आई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बहुत अच्छी तैयारी की थी, पर फिर भी उम्मीद के हिसाब से उनके नंबर यहाँ पर नहीं बने हैं। या फिर कैसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं, वो ये समझते हैं कि मैम हम तैयारी करें या ना करें, आप हमें प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके मॉक में भी बहुत अच्छे नंबर बनते थे, बट अब आंसर की से अगर वो मैच करें तो उनके काफ़ी कम नंबर, या फिर वो बोले तो उम्मीद से कम नंबर बने हैं। तो यदि आपने बहुत अच्छी मेहनत की है तो आपकी मेहनत बिल्कुल भी ख़राब नहीं जाएगी। इसी मेहनत को आप आगे अपनी तैयारी में लगा दीजिए, इस साल अपनी वर्दी हासिल कीजिए। ये मौका आपको देती है एसएससी जीटी, जिसमें लगभग 26,000 प्लस आपके पास वैकेंसी आ चुकी थी। मैं समझती हूँ कि वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने दिल्ली पुलिस का फॉर्म दिया था, एसएससी जीडी का फॉर्म भी यहाँ पर फिलअप किया होगा, और उन स्टूडेंट्स के पास अभी चांसेस है एसएससी जीडी में ज्वाइन करने का और एक वर्दी अपने नाम करने का। तो मैं बात करती हूँ एसएससी जीडी की। यदि आज से देखा जाए तो लगभग 66 डेज, या फिर मैं बात करूँ तो 60 दिन या 2 महीने आपके पास में लगभग शेष रहे हैं, और इन दिनों में आपके पास में काफ़ी अच्छा एक टाइम है। आप इसी टाइम में भी बहुत अच्छे से अपने एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकते हैं। मैं बात करूँ, क्योंकि आपने पीछे दिल्ली पुलिस की तैयारी करी है, तो मैं समझती हूँ कि आप एक अच्छी प्रिपरेशन में रहे थे और अभी आप बूस्ट अप है, तो अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए और उसी तैयारी में जुट जाइए। अपने आप को झोंक दीजिए एसएससी जीडी की तैयारी के लिए। मैं बात करती हूँ एसएससी जीडी की। तो एसएससी जीडी में जैसे हमारे टाइम पर 25-25-25 वाला पैटर्न था, बट अब जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हुआ है, हर सब्जेक्ट आपके 20 नंबर के हैं। पहले 4 कॉमन सब्जेक्ट जो हर एग्ज़ाम में यहाँ पर होते हैं, वही आपके हैं मैथ रीजनिंग एंड हिंदी इंग्लिश या फिर जीके। आपके पास प्लस पॉइंट ये है जीडी में कि आपके पास एक लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश भी आ जाता है। तो जिन स्टूडेंट्स का जीके यहाँ कमज़ोर था, या जो ये समझते थे कि मैथ हमारा कमज़ोर है, उनके लिए एक प्लस पॉइंट है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को फर्स्ट ही अटैम्प्ट में क्वालिफाई करने का। हमारे टाइम पे हम बात करते हैं तो 25-25-25 वाले पैटर्न के आधार पर 100 नंबर का हमारा पेपर हुआ करता था एंड 1.5 घंटे में वो पेपर हुआ करता था। बट जैसे पैटर्न चेंज हुआ है, अब आपका प्रत्येक सब्जेक्ट 20 नंबर का है और हर एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर के हैं। यानी मैं बात करूँ तो 80 प्रश्न आपके होंगे 160 नंबर के, और 0.50 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर आपके लिए है। 1 घंटा आपको दिया जाता है पेपर को अटेम्प्ट करने का। आज से हम देखें तो 60 दिन है। 60 दिन में आपको अपनी तैयारी किस हिसाब से करनी है। जब मैंने पहली बार पेपर दिया था एसएससी जीडी का, तो मेरे 100 में से 75 मार्क्स यहाँ पर बन रहे थे। फिजिकल के लिए भी मुझे बुलाया गया था, बट उस टाइम मैं दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की अंडर ट्रेनिंग थी। क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रही थी, तो मैंने उस साइड जाना सही नहीं समझा। उसके बाद में जब फिर से पैटर्न चेंज हुआ, मैंने एक बार खुद को परखने के लिए फिर से एक बार पेपर दिया, और सेकेंड टाइम पर मेरे 160 में से 135 समथिंग नंबर थे सेकेंड चांस में। तो मैं आपको बता देती हूँ, एसएससी जीडी एक एवरेज सा पेपर होता है आपका। बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपनी तैयारी करके इसको आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। जीके आपका एवरेज सा आता है। मैथ और अगर रीजनिंग की बात करूँ, तो रीजनिंग में भी आपके थोड़े से कैलकुलेटिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में भी, और 18 या 17 क्वेश्चन आपके बहुत ईजी आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपके थोड़े से टिपिकल आते हैं मैथ्स में। उसके अलावा हिंदी आपकी बहुत आसान आती है। हिंदी को आप आसानी से 90 या पूरे में से पूरे नंबर भी ला सकते हैं बिना किसी गलती के। जीके की अगर मैं बात करूं तो जीके की, क्योंकि आपने पहले दिल्ली पुलिस की तैयारी की है, तो मैं समझती हूं कि आप जीके को अच्छे से अंडरस्टूड होंगे कि किस हिसाब से जीके की आप तैयारी करेंगे। तो इस प्रकार से आपको एसएससी जीडी की अपनी तैयारी करनी है। और अगर इसी पैटर्न पे आप आज से भी, या तो आप टॉपिक वाइज अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि 60 दिन आपके पास इनफ है अपनी तैयारी को जारी रखने के लिए, या फिर अगर ये समझते हैं कि आप एक अच्छी तैयारी में हैं, तो कंटिन्यू आप सॉल्व पेपर सॉल्व कीजिए, आप क्वेश्चंस लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन से आपको नए नए पैटर्न आपको एग्ज़ाम के लिए देखने को मिलेंगे। इस हिसाब से आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी एसएससी जीडी की, और लगभग 2 महीने बाद जब आपके एग्ज़ाम होंगे, यानी कि 20 फरवरी से 12 मार्च तक एक निश्चित तारीख दी गई है आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने की एसएससी ने, उस टाइम पर आप अपना 100% दे पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।